अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मोमना दुरैद के बारे में, जिन्होंने फिरदौस जमाल को बैन कर दिया जी एमडी प्रोडक्शन से। तो मैं स्क्रीन पे आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी। साथ ही साथ में हम बात करेंगे, फिरदौस जमाल के बेटे ने एक वीडियो मैसेज दिया था, उस पर बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम अपने दोस्तों के साथ। अब मैं आपको सुनवाती हूँ फिरदौस जमाल के बेटे का वीडियो मैसेज, उसके बाद हम बात करते हैं इस सारे मामले पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा फिरदौस है और एमडी प्रोडक्शंस की हेड मोमिना दुरैद ने कल रात बल्कि आज सुबह एक स्टोरी शेयर की, जहाँ पे उन्होंने फिरदौस जमाल मेरे वालिद साहब को बैन किया। कर सकती हैं, उनकी अपनी राय है, उनका अपना चैनल है, उनकी एक अपनी सोच है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग भी रिस्पेक्ट कर, लोगों को करनी चाहिए अगर कोई नहीं करता तो। लेकिन मुझे एक इशू है थोड़ा सा एक स्टेटमेंट से जो कि उन्होंने बीच में लिखी कि शी इज़ अशेम्ड कि वो इस फ्रटर्निटी का हिस्सा है। आई मीन फिरदौस जमाल, लाइक शी इज़ अशेम्ड ऑन फिरदौस जमाल कि वो इस फ्रटर्निटी का हिस्सा है। तो आई डोंट नो शी इज़ फॉरगॉटन, क्योंकि फिरदौस जमाल को इन्होंने तो बनाया नहीं, फिरदौस जमाल को तो अल्लाह ने या अवाम ने बनाया, एमडी ने तो बनाया नहीं है। तो और मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ कि आई एम अशेम्ड एज वेल कि मैं हम टीवी की प्रोडक्शंस का हिस्सा रहा हूँ या हूँ। वो चैनल जो कि अपने लेजेंड्स, फिरदौस जमाल की बात ही नहीं है तो अगर आज फिरदौस जमाल पे है तो कल तो किसी और पे भी बात हो सकती है। कि अगर किसी की एक ओपिनियन जो कि एक शो में जहाँ पे क्वेश्चन ही ये किया गया कि आप अपनी राय या अपनी ओपिनियन दें, वहाँ पे उन्होंने दी ना, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, कुछ नहीं किया। लेकिन एनीवेज आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्लैरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, खास तौर पे अवाम, वो लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। सो आई वोंट गेट इनटू दैट, बट ये एक सोची समझी साजिश हो रही है जहां पे एक रियल मुद्दे से हटाकर, एक जहां पे आपके जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जहां पे आपकी आर्मी सैक्रिफाइस करी, देयर इज सो मच गोइंग ऑन, वहां पे हम एक नॉन इशू को हर रोज कोई मेरे फादर पे पर्सनल अटैक कर रहा होता है, कोई उस पर थ्रेट दे रहा होता है, कोई अगला कोई उस पर बैन कर रहा होता है। आप कीजिए, आप हर चीज़ कीजिए, लेकिन ज़रा थोड़ी सी वक्त को नज़ाकत दे के उसके बाद आप कीजिए ना। अगर मेरे वालिद को मालिक चाहिए हो तो पाकिस्तान के चैनल्स तो आप छोड़ दें, बाहर से भी हमारे नेबरिंग कंट्री से उनको बाकायदा फ़ोन आ रहे हैं कि सर एक आप कमेंट दे दीजिए, बट ही सेड कि आई वोंट गिव इट, क्योंकि हमारे मुल्क का इस टाइम का जो इशू है वो ये है ही नहीं, वो इशू इससे बहुत बड़ा है। तो आपको अगर लगता है कि वो हक सच पे हैं और ये पूरा माफिया जिस तरीके से उनका नाम रिडिक्यूल कर रहा है, जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट, उनको उन पे पर्सनल अटैक्स, उन पे थ्रेट्स कर रहा है, तो मैं आपसे अर्ज करूँगा एक भाई के नाते कि अगर तो आपको भी लगता है कि आपके बाप को भी अगर कल को इस तरीके से रिडिक्यूल किया जाएगा और इस तरीके से डीफेम, इस तरीके से पर्सनल अटैक किए जाएंगे, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप हैशटैग सपोर्ट फिरदौस जमाल लिखिए और अपने राय का इजहार कीजिए। और वो चाहे ट्विटर पे हो, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, वो चाहे इस फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, खाली हैशटैग सपोर्ट फिरदौस जमाल विल से अ लॉट एंड विल गो अ लॉन्ग वे। सो आई थैंक यू ऑल एंड लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन क्योंकि ये बात हुई है और इस सारे मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो मैसेज सुना, तो मुझे बताइए जी, मोमना दुरैद ने बैन कर दिया है फिरदौस जमाल को अपनी एमडी प्रोडक्शन से, तो मुझे बताइए क्या ये गलत है अपनी राय का इजहार करना? क्या इस पे बैन बनता है? दिस इज़ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मुझे ज़रूर इस क्वेश्चन का बताइएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये बात तो जनरल सी है, हर इंसान जो है वो डिफरेंट सोचता है, डिफरेंट राय रखता है। क्या अपनी राय का इजहार करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, क्या ये भी गलत है? बहुत सारे एक्टर्स को बहुत सारी एक्ट्रेसेस नहीं पसंद होंगी, बहुत सारे एक्ट्रेसेस को बहुत सारे एक्टर्स नहीं पसंद होंगे। जैसे हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग कह सकते हैं, हमें बहुत सारे एक्टर्स नहीं पसंद आते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे किसी को बैन कर देना, मुझे मोमना दुरैद की ये जो हरकत है, क्या भी जो भी कह सकते हैं इसको, उनका रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोग बताइए आपको क्या लगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि माहिरा खान की अगर बात कर लेते हैं, तो माहिरा खान क्या आपको कॉलेज गर्ल लगती है? क्या आपको लगता है कि मूवी से माहिरा खान को कॉलेज गर्ल का रोल देना चाहिए? ठीक है, वो बहुत बड़ी नहीं लगती, नानी दादी का रोल नहीं करने वाली हैं, बट कॉलेज गर्ल की एज भी तो उनकी नहीं है, ये बात भी तो एक फैक्ट है ना। एक्ट्रेस लाइक जिनकी जैसे इकरा अजीज़ हो गई या माया अली हो गई या सजल अली हो गई, इनको अगर हम लोग लेते हैं किसी कॉलेज गर्ल के रोल में तो ये तब भी सूट करती हैं, बट ऐसी एक्ट्रेस
जो कि कॉलेज गर्ल में नहीं सूट करती, आप उसको कॉलेज गर्ल यूनिवर्सिटी गर्ल में लेते हो तो वो भी ठीक नहीं है। आप इतनी भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो गई हैं फिरदौस जमाल के बारे में कि इस तरह से किया जाए, तो आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस मामले में एक्टर शान शाहिद का कहना था कि जो भी फिरदौस जमाल ने कहा है मायरा खान के बारे में उससे सुन के दुख हुआ, पर जो लोग बोल रहे हैं फिरदौस जमाल के बारे में उसको सुन के और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। शान शाहिद ने भी कहा कि ठीक है मायरा खान अच्छी एक्ट्रेस हैं बट फिरदौस जमाल जो है वो एक लेजेंड है। इस मामले में जबकि मायरा खान से पूछा गया था एक इंटरव्यू में, तो मायरा खान ने कहा कि मेरा इरादा है कि मैं शोबिज़ में रहूं, नानी दादी के रोल भी करूं, और मायरा खान ने कहा कि यहां तक कि मेरा इरादा है कि मैं पर नानी के रोल भी अदा करूं। फैसल कुरैशी पे भी काफ़ी कुछ बोला जा चुका है, क्योंकि जिस शो में फिरदौस जमाल ने बोला था उनके होस्ट फैसल कुरैशी थे, और फैसल कुरैशी ने कहा था कि मायरा खान की कोई भी मूवी अभी तक ऐसी नहीं आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट गई हो। सो दिस वॉज द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।